तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि जिन्हें होता था जो 15वीं किस्त इंस्टॉलमेंट है वो डेबिट के थ्रू यहां पे जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन जिन किसान भाई को 15वीं किस्त का पैसा मिला है उन सभी का बेनिफिशियरी स्टेटस में यहाँ पर अपडेट आ चुका है। अब दोस्तों, आप अपने बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करने के बाद आप पता लगा सकते हो कि आपके बैंक अकाउंट में 15वीं किस्त का पैसा आया या नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो कि मैं आपको इस वीडियो में लाइव एंड कम्प्लीट प्रोसेस बताएंगे। एक बेनिफिशियरी स्टेटस आपको यहाँ पर चेक करके दिखाने वाला है कि उनका बेनिफिशियरी स्टेटस में अपडेट आ चुका है और क्या अपडेट आया, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स में बताएंगे। और उस बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करने के बाद आप पता भी लगा सकते हो कि उसका बैंक अकाउंट में पैसा आया या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आपको भी बेनिफिट मिलता है और आपको भी सालाना 6000 रुपया मिलता है, तो दोस्तों आपको चेक कर लेना है कि आपके बैंक अकाउंट में 15वीं किस्त का पैसा आया या नहीं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते। उससे पहले, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा। आगे भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड इस चैनल पर आपको वीडियोस मिलते रहेगी। तो चलिए, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट में 15वीं किस्त का पैसा आया या नहीं उसे चेक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर गूगल क्रोम के सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है पीएम किसान सम्मान निधि। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। एंड आप यहाँ पे जैसे ही पीएम किसान सम्मान निधि लिख के सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। सो दोस्तों, आप यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए तो पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट, तो आपके यहाँ पे पीएम किसान वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड आप यहाँ पे जैसे ही पीएम किसान वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए तो ये नया पॉपअप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो इसको सबसे पहले कट कर देना है। एंड कट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट। तो दोस्तों, इस पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 15 नवंबर को यहाँ पे 15वीं इंस्टॉलमेंट यहाँ पे सबके बैंक अकाउंट में जारी किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको भी चेक करना है कि आपके बैंक अकाउंट में 15वीं किस्त का पैसा आया या नहीं, तो दोस्तों उसे चेक करने के लिए आपके यहाँ पे नीचे की ओर आना है। एंड नीचे आने के बाद आपके यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नो योर स्टेटस, ठीक है। तो आपके यहाँ पे नो योर स्टेटस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो नो योर स्टेटस वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सो दोस्तों, आपका जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जो कि देख सकते हो इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। सेम टू सेम इस कैप्चर कोड को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। देन आपके यहाँ पे गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। एंड गेट डाटा में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बेनिफिशियरी स्टेटस यहाँ पे शो हो चुका है, जो कि देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे किसान का पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि देख सकते हो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक किसान का नाम है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये किसान का एड्रेस है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो किसान का मोबाइल नंबर है। तो दोस्तों, अगर आप अपने बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करना चाहते हो, यानी कि बेनिफिशियरी स्टेटस में क्या बदलाव आया है उसे देखना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे नीचे की ओर आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल, तो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 13वीं किस्त यहाँ पे पहले से यहाँ पे मिला हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 25/7/2023 को यह 13वीं किस्त इसका बैंक अकाउंट में जो है जारी किया गया था। अब दोस्तों, इसके बाद जो आपको पेमेंट मिलेगा वो 14वीं किस्त मिलेगा या तो फिर 15वीं किस्त मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूँ कि यहाँ पे सबके बैंक अकाउंट में 15वीं किस्त ही नहीं आएगा, क्योंकि जिसको 10वीं मिला है उसको 11वीं किस्त मिलेगा, और जिसको 12 मिला है पहले से उसको 13वीं किस्त का पैसा मिलेगा, और जिसको पहले से 14वीं किस्त का पैसा मिल चुका है उसको सिर्फ 15वीं किस्त का पैसा आएगा। जैसे कि इन किसान को पहले से 13वीं किस्त का पैसा यहाँ पे मिल चुका है, तो अब इसको यहाँ पे 14वीं किस्त का पैसा मिला होगा। तो 14वीं किस्त इसे सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो 14 एंड 15, तो जिन किसान को सभी किस्त का पैसा पहले से मिला हुआ है, यानी कि 14वीं किस्त का पैसा पहले से मिला हुआ है, उनको 15वीं किस्त का इस बार पैसा मिला है। तो यहाँ पे इन किसान को 13वीं किस्त का पैसा मिला है। तो चलो दोस्तों, मैं यहाँ पे 14वीं किस्त यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद आपके यहाँ पेज यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश होगा, उसके बाद आपके पे थोड़ा नीचे की ओर आना है। एंड नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एफटीओ पोर्शन यहाँ पे ये से, यानी कि इसका बैंक अकाउंट में यहाँ पे 14वीं किस्त का पैसा आ चुका है, जो कि भले ही यहाँ पे 15वीं किस्त पैसा इंस्टॉलमेंट जारी किया है, लेकिन इसको 14वीं किस्त का पैसा मिला है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। अगर आपका पेमेंट पोर्शन दिख रहा है और आपके यहाँ पे एफटीओ पोर्शन सीएस दिख रहा है, तो आपको समझ लेना है कि आपका बैंक अकाउंट में 15वीं किस्त का पैसा आ चुका है। अगर आपको 14वीं किस्त का पहले से मिला हुआ है, तो आपको 15वीं किस्त का पैसा आया है। अगर आपको 12वीं किस्त का पैसा पहले से मिला हुआ है, तो आपको 13वीं किस्त का पैसा आया है। भले आपको सब कुछ आस्ते आस्ते किस्त मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो एक बार में एक ही किस्त ज़्यादातर आता है, एक बार में 2-4 किस्त ज़्यादातर नहीं आता है। तो आपको यहाँ पे समझ लेना है कि आपको यहाँ पे अगर आपको एफटीओ पोर्शन जीएस दिख रहा है और आप यहाँ पे देख दो पेमेंट स्टेटस में अगर आपका पेमेंट पोर्शन दिख रहा है, तो आपको समझ लेना है कि आपका बैंक अकाउंट में जो पैसा जारी किया है उनका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ चुका है। तो दोस्तों, यही था बेनिफिशियरी स्टेटस में अपडेट, जो कि आप यहाँ पे देख दो पहले जो स्टेटस आप चेक कर रहे थे उसमें पेमेंट पोर्शन नहीं दिख रहा था एंड एफटीओ पोर्शन भी जीएस नहीं था। तो अगर आपके अभी जो स्टेटस में एफटीओ पोर्शन जीएस दिख रहा है और पेमेंट पोर्शन दिख रहा है, तो आपको समझ लेना है कि आपके
बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके हैं और थोड़े दिन में यहाँ पे बैंक नेम भी शो हो जाएगा एंड यहाँ पे यूटीआर नंबर भी शो हो जाएगा एंड आप यहाँ पे देख दो क्रेडिट अकाउंट किस अकाउंट में पैसे आया है वो भी आपको आस्ते आस्ते यहाँ पे मिल जाएगा। धीरे धीरे आपका सब यहाँ पे स्टेटस में अपडेट हो जाएगा जो कि क्रेडिट वन यहाँ पे किस डेट को क्रेडिट हुआ है वो भी आपके यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस में सब कुछ अपडेट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे थोड़े लेट हो सकता है, यहाँ पे थोड़े डिले हो सकता है, तो आपको बीच बीच में अपना स्टेटस चेक करना है जो कि स्टेटस चेक करने का भी यहाँ पे प्रोसेस आपको बता दिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा। आगे भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड इस चैनल पर आपको वीडियोज मिलती रहेगी। सो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।